में निकलेंगे। ये एक लंबा रास्ता है, हम फैसिलिटेट कर सकते हैं, हम आवाज बन के उभर सकते हैं, और दो ममालिक के बीच और दिल्ली और श्रीनगर के बीच की जो का जो रास्ता है, जो वो दूरी है, उसको हम कम कर सकते हैं। हमने कहा कि हम रियासत जम्मू कश्मीर को लुक अप नॉर्थ, यानी जो हमारा ये सेंट्रल एशिया पूरा है उसका एक सेंटर बनाएंगे, जो एक सिल्क रूट सिविलाइजेशन हमारी रही है, जो लद्दाख के थ्रू, कारगिल के थ्रू जिसका हमारे साथ रिश्ता है, हमारा मुगल रोड के साथ एक रिश्ता है, हमारा जम्मू तवी वाला एक रिश्ता है नेशनल हाईवे का जम्मू के बाकी इलाकों के साथ। हमने कहा कि इस सिल्क रूट की जो सेंट्रैलिटी है रियासत जम्मू कश्मीर को, हम उस सिल्क रूट की सेंट्रैलिटी को फिर से बहाल करने की कोशिश करेंगे। हमने ये कहा कि बहुत सारे तबके हमारी रियासत के ऐसे हैं जिनको अभी तक एडुकेट रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, उनके एमएलए नहीं बन पाते हैं, जिनमें सिख्स हैं, बुद्धिस्ट्स हैं, क्रिश्चियंस हैं और कश्मीरी पंडित्स हैं। हमने अपने विजन डॉक्यूमेंट में लिखा है कि जो भी इस रियासत के वो लोग हैं, वो सेक्शंस हैं जिनको एडुकेट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, हम उनकी एडुकेट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए कोशां रहेंगे। हमारे हमारी रियासत को तकसीम करने की बहुत कोशिशें की जा रही है, एक ऐसी आइडियोलॉजी पनप रही है हमारी रियासत में जो हिंदू को मुसलमान के साथ, मुसलमान को बुद्धिस्ट के साथ लड़ाने की कोशिश कर रही है, पीर पंचाल को कश्मीर के साथ, पीर पंचाल को जम्मू के साथ, जम्मू को डोडा के साथ, उनको तकसीम करने की कोशिशें की जा रही है। हमारा फंडामेंटल जो पॉलिटिक्स है वो ह्यूमैनिटेरियन पॉलिटिक्स है, हम मसावात पे बिलीव रखते हैं और बिलीव ये करते हैं कि ये जो रीजन्स की बेसिस पे, मजहब की बेसिस पे हमें तकसीम किया जा रहा है, हम उस तकसीम को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमारी जो ये पार्टी है ये यूथ ओरिएंटेड पार्टी है। मुझे कहा जाता है आप यूथ की बात करते हो, यूथ तो वोट ही नहीं डालते हैं। मैंने ये अर्ज किया कि हमारी जो यूथ मुझे वोट नहीं देगा, आज नहीं देगा, कल दे देगा। मैं यहां वोट की सियासत के लिए नहीं आया हूं, आया होता तो किसी और पार्टी में शामिल हुआ होता, कल आपका एमएलए अभी बनके शायद उभर भी गया होता, लेकिन यूथ की रिप्रेजेंटेशन मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। हम यूथ की जिंदगी बचाना चाहते हैं। यहां का नौजवान आज पीएचडी करके, आज यूनिवर्सिटी में पढ़ के परेशान है और अपनी जानों की कुर्बानी दे रहा है, वहां से दूर से एक अपनी मुलाजमत करने के लिए एक सीआरपी वाला एक सोल्जर भी आता है, वो अपनी तरह की एक कुर्बानी देता है, उसकी फैमिली भी, इसकी फैमिली भी डेवस्टेट हो जाती है। ये जो जंग यहाँ पे चल रही है, इस जंग का खात्मा करना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। हमारे लिए उन लोगों का बड़ा एहसान है मुझ पे जो एलओसी से, इंटरनेशनल बॉर्डर से यहाँ पे मेरे पास आए हैं। मेरे पास गुरेज के लोग आए हैं, करना के लोग आए हैं, केरन के लोग आए हैं, आरसपोरा से, कठुआ से, नौशेरा से लोग आए हैं, जिन लोगों की जिंदगी इंडिया पाकिस्तान के बीच में जब शेलिंग होती है उनकी जिंदगी सबसे ज्यादा उजेरन बन के रह जाती है। मैं बार बार कहता हूं कि इंडिया पाकिस्तान को अपने आपस में एंगेजमेंट के लिए इससे बेहतर तरीके अपनाने चाहिए कि वहां की गुजर बरादरी, वहां की पहाड़ी बरादरी की जिंदगियों पर खेल के अपनी सियासत करते हैं, इससे बेहतर क्या उनके पास कोई तरीका नहीं है। हम रियासत से बाहर के हमारे जो बाशिंदे हैं, जो डायस्पोरा है, उनकी विजन को भी हम इंक्लूड करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पे नौजवानों की जो एम्प्लॉयमेंट के, डेवलपमेंट के इश्यूज हैं, हेल्थ के इश्यूज हैं, आज भी आपको श्रीनगर आना पड़ता है, जम्मू आना पड़ता है अपनी ट्रीटमेंट करने के लिए, उसको हम तब्दील करेंगे इंशाल्लाह। करप्शन का जो निज़ाम यहाँ कायम हुआ है, सबसे पहली चीज जो आप इंशाल्लाह देखेंगे वो ये होगा कि हम यहाँ से करप्ट सिस्टम को खत्म करेंगे और पब्लिक सर्विस में, ऑफिस में हमारी डिग्निटी, उसको हम बहाल करेंगे। दो तरह की क्राइसिस है, एक रास्ते पे है, इश्यूज रास्ते पे है, जो आपको जिंदगी में जो नाइंसाफी आपकी रास्ते पे होती है, दूसरी जो सरकारी ऑफिस में होती है। ये पार्टी उन सारी नाइंसाफियों के बारे में इंशाल्लाह कोशिश करेगी। आप बहुत देर से सबके साथ मेरी बात सुन रहे हैं, मैं सिर्फ इतनी लास्ट पे गुजारिश करूँ, बनाइए लजीज मज़ेदार निहारी अपने घर। जी हाँ, होटल की तरह मज़ेदार निहारी का मसाला पोटली मसाला। यह पाया पाया, यह पाया। SH मीनार स्पेशल पोटली का मसाला अब आपके करीबी किराने शॉप पर दस्तियाब है। पाया मियां, ये है वो पाया।
خالص حیدرآبادی دکنی پوٹلی مسالہ، جی ہاں خورمہ، پایا، حلیم، ہو کے نہاری، استعمال کیجئے ہوٹل کا مزہ اب آپ کے ہاتھ۔ تفصیلات کے لیے ربط پیدا کریں 9052597377 اور ایک نمبر نوٹ کریں 6301703777۔